नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल माइंड में। दोस्तों, आज की दुनिया ऐसी बन गई है कि हर किसी का एक खराब पास्ट रहता है। खराब पास्ट मतलब सिर्फ प्रेम संबंधित नहीं हो सकता, भाई बहन में कहा सुनी, रिश्तेदारी में अनबन या फिर फ्रेंडशिप में या फिर ऑफिस में बॉस या कलीग्स के साथ कुछ कहा सुनी बात, कोई उसे पकड़ के बैठता है और कोई उसे भुला देता है। कई बार यादों के भूल मन में इस कदर चुप जाते हैं कि जिंदगी खत्म सी लगने लगती है। वो लोग बीते समय की घटनाओं को नहीं भुला पाते हैं जिनके ईगो सिस्टम कमजोर होता है। अतीत को भुलाने का मतलब खुद को बीते वक्त में की हुई गलतियों के लिए माफ कर देना है। मानना सीखे कि जीवन की सभी घटनाएं शिक्षाप्रद होती है और उनसे शिक्षा लेना सीखे। अतीत को भूल जाने की प्रेरणा की एक छोटी सी बुद्ध भगवान की कथा आपको सुनाते हैं। बुद्ध भगवान एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाएगा तथा खुद भी जल जाएगा। सभा में सभी शांति से बुद्ध की वाणी सुन रहे थे, लेकिन वहां स्वभाव से ही अति क्रोधी एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ था जिसे ये सारी बातें बेतुका लग रही थी। वो कुछ देर ये सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है, तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो, तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। ऐसे कई कटु वचन सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। उसकी बातों से ना तो वो दुखी हुए ना ही कोई प्रतिक्रिया की। ये देखकर वो व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उसने बुद्ध के मुंह पर थूक कर वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो वो अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावे की आग में जलने लगा और वो बुद्ध को ढूंढते हुए उनके पास पहुंच गया। बुद्ध भगवान को देखते ही वो उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ है, क्यों क्षमा मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, क्या आप भूल गए, मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं मेरे दुष्ट आचरण की क्षमा याचना करने आया हूँ। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुमने पछतावा कर लिया, अब तुम निर्मल हो चुके हो, अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ते जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। मित्रों, बहुत बार हम अतीत में की गई किसी गलती के बारे में सोचकर बार बार दुखी होते हैं और खुद को कोसते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गलती का बोध हो जाने पर हमें उसे कभी ना दोहराने की संकल्प लेना चाहिए और एक नई ऊर्जा के साथ वर्तमान को सुदृढ़ बनाना चाहिए। अतीत भुलाने का मतलब है उन स्थितियों को कबूल कर लेना जिन्होंने आपको आहत किया है। ये मान लेना कि आपने उन स्थितियों में वो किया जो आप कर सकते थे और कबूल कर लेना कि अब उसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता। अतीत को भुलाने का मतलब खुद को बीते वक्त में की हुई गलतियों के लिए माफ कर देना है। उस सोच से बाहर निकलना कि आप क्या कर सकते थे या क्या नहीं करना चाहिए था। अगर आप अपनी गलतियों से डील कर रहे हैं या कोई हादसा का दौर देख रहे हैं तो आगे बढ़ने के लिए खुद को माफ करना जरूरी हो जाता है। आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना चाहिए और आपको खुद को बीते हुए दुखद समय से बाहर निकाल कर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। किसी दुखद रिश्ते या घटना के गम से बाहर निकालकर जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। आपको समय के चक्के की रफ्तार को कबूल करना होगा। आपको नए रिश्ते बनाना चाहिए। हालांकि इसके लिए जरूरी नहीं कि आप नए लोगों से संपर्क में आए, बल्कि जरूरी ये है कि आप नए ढंग से रिश्ते को डील करें। अतीत भुलाने का मतलब ये है कि आप दुनिया को नए नजरिए से देखने को तैयार है। कहावत है, बीती ताहि दिसरदे आगे की सुधि ले, यानी अतीत भुलाकर भविष्य की ओर ध्यान केंद्रित करें।
जिंदगी का बहाव किसी के लिए नहीं रुकता, इसमें बहना ही प्रकृति है। जितनी जल्दी ये मान लिया जाए, उतना ही खुद के लिए, अपने आसपास वालों के लिए और अपने महलों के लिए अच्छा है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी सभी वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। नमस्कार।